सुशासन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर की गुरुधाम कॉलोनी नाइजर द्वारा प्लॉट में धोखाधड़ी का दूसरा मामला सामने आया है। सुशील अग्रवाल ने गुरुधाम कॉलोनी नाइजर से 6 प्लॉट खरीदे थे, वर्तमान में कॉलोनी नाइजर द्वारा किसी और को बेच दिए गए। वहां बन रहे मकान शिकायत पर पुलिस ने गुरुधाम कॉलोनी नाइजर आशीष गुप्ता निवासी लोहारी पर मामला दर्ज किया है। बड़वानी पुलिस ने 6 प्लॉट के 18 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर 420, 467, 468, 471 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है तथा बड़वानी पुलिस द्वारा आरोपी आशीष गुप्ता की तलाश की जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फरियादी सुशील अग्रवाल के साथ धोखाधड़ी की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ है। गुरुधाम सिटी कॉलोनी बड़वानी की कॉलोनी नाइजर आशीष पिता ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लोहारी तहसील कुक्षी द्वारा वर्ष 2016 में फरियादी ने आशीष गुप्ता से 6 प्लॉट गुरुधाम सिटी कॉलोनी बड़वानी में 20x50 कुल 6000 वर्ग फीट के 19 लाख रुपए में खरीद कर सौदा इकरार नामा स्टाम्प पर लिया था। आशीष गुप्ता द्वारा फरियादी के बार बार रजिस्ट्री करने का बोलने पर भी रजिस्ट्री नहीं की और फरियादी के साथ आनाकानी करता रहा। अग्रवाल जी थाने क्यों आए और क्या घटना हुई आपका, क्या 400 बीच मैंने आशीष गुप्ता कॉलोनी नाइजर से गुरुधाम सिटी कॉलोनी में 2016 में प्लाट का सौदा किया था, 6 प्लाटों का 6000 स्क्वायर फीट का 19 लाख रुपए में, जब वो कॉलोनी पे काम चल रहा था। फिर मैंने 18 लाख रुपए उनको दे दिए थे चेक से और केस मिला के 1 लाख रुपए दे के रजिस्ट्री कराने थी और उसका रजिस्टर्ड बकायदा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एग्रीमेंट करवाया था। अब 2016 से अभी तक मैं उसके पीछे पड़ा हूँ कि भाई मेरे को रजिस्ट्री कर दे और तेरे 1 लाख ले ले, तो वो ना तो रजिस्ट्री कर रहा है और उसके पैसे 1 लाख जो देना है वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे जो 6 प्लाट है उसकी रजिस्ट्री करके दे वो, और वहाँ अब जब डेवलपमेंट हुआ और जब अभी देखने गए तो वहाँ पे मकान बने हुए हैं लगे मुझे मेरे प्लाटों पे, तो मैंने जब नक्शे से उन प्लाटों को मैच किया तो वाकई में वहाँ पे मकान बने हुए पाए, तो फिर उसकी मैं शिकायत करने आया हूँ कि या तो वो मेरे को मेरे जो है प्लाट है वो प्लाट या तो वही दे, अब मकान कैसे बने उसकी जाँच हो कि किस आधार पर बना मुझे बेचने के बाद, जबकि मेरा तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था जो कि सब रजिस्टर कार्यालय में रजिस्टर्ड था, तो फिर दूसरी तो रजिस्ट्री सब रजिस्टर कार्यालय को करना ही नहीं था उसमें। एफ आई आर दर्ज हो गई है मेरी। इनके खिलाफ हुई है आशीष गुप्ता कॉलोनी नाइजर के खिलाफ। कौन सी कॉलोनी? गुरुधाम सिटी कॉलोनी। किस रोड पे? ये अंजार रोड। सर किस कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई? ये सुशील अग्रवाल निवासी बड़वानी, इन्होंने शिकायत की थी कि गुरुधाम सिटी कॉलोनी जो आशीष गुप्ता के द्वारा डेवलप की बताई जा रही, आशीष गुप्ता से जो है सुशील अग्रवाल ने करीब 6 प्लाट खरीदे थे, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी किया था और इस एवज में 6 प्लाट के एवज में करीब 18 लाख रुपए सुशील अग्रवाल के द्वारा आशीष गुप्ता को दे भी दिए गए, 1 लाख रुपए देना शेष थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आशीष गुप्ता ने कोई किसी प्लाट की कोई रजिस्ट्री नहीं की है और बार बार आवेदक सुशील अग्रवाल के द्वारा उससे रिक्वेस्ट भी किया गया लेकिन अभी तक वो कोई प्लाट नहीं दिए। तो संपूर्ण जाँच से मामला जो है धोखाधड़ी और गबन का पाया जाने से इसमें अपराध धारा 420, 406 और 467, 468 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।